तो कालू भाई स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, छोटा सा एक परिचय दीजिए, अपना फार्म कहाँ पर है और आज किस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं ये थोड़ा सा बताइए जी। सबसे पहले तारिश भाई आपको नमस्कार, आपके दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं कालू भाई डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से। जी भाई जी, और आज हम ब्रीडर के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी आपके पास फिलहाल दो ब्रीडर हैं? जी जी, तीन ब्रीडर हैं मेरे पास। तीन ब्रीडर हैं और दो तो पूरे फुल मैच्योर हैं। फुल मैच्योर है, एक बच्चा अभी मैंने जो है जस्ट मैंने पाड़ा हुआ, वो अपने ही ब्रीडर का है। जी जी हाँ जी हाँ जी, वो तो हालांकि मेरे काम तो आना नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे शौक से मैं हर साल एक दो पाल लेता हूँ बस जी। और जो भी हमने जखराना सीरीज कवर करी है उसमें हमने इतने बड़े ब्रीडर नहीं देखे हैं, और खास करके मैंने जखराना में इतने हाइट के बकरे और इतने लंबे चौड़े फुल फ्रेम के बकरे जो हैं वो नहीं देखे हैं। तो अपन थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेंगे, हमारे दर्शकों को भी देंगे। जो आपने अभी हाथ रखा हुआ है इसी के ऊपर बात करते हैं, क्या नाम रखा हुआ आपने इसका? सबसे पहले इसके नामकरण से ही शुरू करते हैं। इसका इसका नाम अपने का हीरा है। हीरा हाँ, और इसका जो है मोती है अपने का नाम। जी जो जी, पहले वाला ब्रीडर है उसका नाम मोती और हीरे मोती की ये जोड़ी मैंने अपने फार्म पे रखी हुई। बहुत अच्छा जी जी। थोड़े से इसके अगर बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो हरीश भाई इसका जो मैं है इसकी क्वालिटी के बारे में बता देता हूँ। ये जो ट्रू टू क्वालिटी है जखराना की अगर हम बात करें तो इसमें 100% जो है जखराना के गुण है ना। और अगर इसकी ये लेग लेंथ की अगर पैरों की बात करें तो सूंड देखो इसका कितना मजबूत है। बस बस बस, अभी ये जो है थोड़ा सा जो है आज गर्मी पे है, गर्मी को बोले तो ये थोड़ा सा माइंड इसका डिस्टर्ब है हरीश भाई, क्योंकि इसने जो है आज हमारे फार्म पे 3-4 बकरियां हिट पे हैं और रात में ये इन्हीं के पीछे पड़ा हुआ है ना पूरी रात से, तो इसलिए थोड़ा सा गर्म स्वभाव इसने अपने अंदर धारण कर रखा है, वरना बहुत ठंडा है। जी जी, थोड़ा सा बकरियां उमस की वजह से जो रह गई थी वो हीट पे आई हैं। नहीं, अभी जो पीछे जो जिन्होंने एक महीने पहले बच्चा दिया था ना हरीश भाई, तो वो मेरे पास 4-5 बकरियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी बच्चे दिए थे 1-1.5 महीने पहले, तो वो बकरियां अब क्रॉस होने लग रही हैं। कुछ एक अपने पास फीमेल छोटी हैं तो वो भी हीट पे आ रखी हैं, अभी भी आज भी दो फीमेल छोटी हीट पे हैं, लेकिन उनको करवाना नहीं है, ये इसीलिए थोड़ा सा ये अग्रेसिव हो रहा है। जी जी, और वो जो फीमेल है वो अपने बड़े वाले ब्रीडर की हैं। जी जी, तो और हरीश भाई इसकी अगर बात करें पीछे के जो पैर हैं, देखो पीछे के पैर देखो कितने भयंकर हैं है ना। और टेस्टिकल की बात करें, बस बेटा बस, ये हरीश भाई जो टेस्टिकल की बात करेंगे ना, जो मैं आपको बोलता था भाई ऐसे टेस्टिकल आपको दिखाएंगे ना ब्रीडर के जो किसी ब्रीडर में नहीं मिलेंगे, बिल्कुल गोल एक बिल्कुल तरबूज की तरह है ना, न लटके हुए हैं न लंबे हैं और नीचे से बिल्कुल फ्लैट है ना, दो भागों में विभाजित नहीं है इसका, तो इसमें चौड़ाई देखो कितनी है, बस बेटा बस। और नेवल फ्लैप इसका देख सकते हैं आप, बिल्कुल ट्रू टू ब्रीड का नेवल फ्लैप होता है ना, बिल्कुल सटा हुआ सिमटा हुआ नेवल फ्लैप। और अभी इसने बकरियां आज क्रॉस की हैं 2-3, तो इसलिए थोड़ा सा अग्रेसिवपन पे है। और अगर इसकी बॉडी वेट की बात करें तो हरीश भाई तकरीबन ये मेरे अंदाजे से, मैं ज़्यादा तो देखो अभी मैंने इसका वेट तो कभी काउंट नहीं किया है, लेकिन मैं अपने अंदाजे से बताता हूँ 125 किलो के आसपास होगा ये, है ना, 1.25 क्विंटल का होगा। 1.25 क्विंटल का? हाँ जी हाँ जी भाई, ज्यादा भी हो सकता है हरीश भाई, लेकिन मैंने कभी काउंट नहीं किया क्योंकि लोग जो है ना वेट बताते हैं उस हिसाब से मेरे को ज्यादा लग रहा है, क्योंकि मैं अपने अंदाजे से आपको बताता हूँ। और हाइट क्या होगी भाई? हाइट तो देखो हरीश भाई, कभी मैंने इसको कहने का मतलब है नापी नहीं है और न ही हाइट आप डिस्क्लोज करेंगे। हाइट के मामले में मैं इसको बोल सकता हूँ कि मेरे जैसे ब्रीडर पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं है, और वो तो आपने भी देखा ना, सीने की चौड़ाई देखो ना हरीश भाई, देखो कितना सीना चौड़ा है, 1.5 फुट चौड़ाई है भाई सीने की, है ना हरीश भाई। और पैर देखो हरीश भाई कितने मजबूत पैर हैं, सूम देखो कितने बड़े बड़े चौड़े चौड़े सूम है ना। नोज फेस क्वालिटी देखो आप, इसको जो है लिप्स की क्वालिटी देखो, बिल्कुल ये घुमा हुआ जो है ना नाक ये है। सिंगों का पैटर्न देखो कितने मोटे और मजबूत सिंग है, और ईयर इसके वही व्हाइट जखराना वाला पैटर्न, वही जो है नोज सफेद, कान जो है सफेद हैं, आंखों के ऊपर जो है कौवे बोलते हैं इनको, ये भी व्हाइट है। बस बेटा बस, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ये देखो अभी है ना थोड़ा सा नशा है इसको, है ना, अभी हिट का नशा चढ़ा है इसको बकरी का, अभी ये मेरे हाथ को इसलिए सूंघ रहा है ना। बस बस बेटा, बहुत शानदार। हम और प्रॉपर सिंगों के बीच में आप जी जी, वो तो किसी ब्रीडर में मिलेगा नहीं, आप जो है ना इसमें 2-2.5 इंच का गैप है। हाँ जी इसका, हाँ जो हेड फेस क्वालिटी है ना हरीश भाई, इस जैसी आपको, आपने भी देखो अभी ऐसे तो ज्यादा तो हम बोलेंगे नहीं ब्रीडर पे, लेकिन आपने 15 रोज से कवरिंग किया ना जखराना डॉक्यूमेंट्री, हाँ, हाँ ब्रीडर ऐसे नहीं मिलते किसी के पास भाई, ब्रीडर का ही चयन लोग करते ही नहीं हरीश भाई।
मैंने भी अपने फार्म पे देखो एक छोटा सा फार्म है उसके ऊपर मैंने तीन तीन ब्रीडर रखे हुए हैं, नहीं तो मेरा एक से भी काम चल जाता ना। तो मेरा यही है कि मैं तीन तीन इसीलिए रखा है कि मेरे को कभी इनब्रीडिंग हो ही ना, है ना। मेरे उस ब्रीडर की जो बच्ची है वो ये प्रेग्नेंट करेगा, अगर इसकी बच्ची आएंगी तो ब्रीडर और आएगा, चाहे कहीं से भी आए हरीश भाई, चाहे वो कहीं से भी आए, है ना। चलिए अब अगर मोती की बात करें, ये तो हमने पहले भी कवर किया है, परंतु पहले भी कवर किया और रुबाब आ रहा है। जी जी हरीश भाई, ये जो है हाइट के हिसाब से अगर इसको बात करें तो दोनों के दोनों सेम हाइट पे हैं, है ना। और फेस क्वालिटी की अगर इसकी बात करें, है ना, आप देख सकते हो बंदे है इसलिए, और फेस क्वालिटी भी इसका जबरदस्त है ना, बिल्कुल वही घुमा हुआ चेहरा, है ना, जिसको आजकल लोग पंच चेहरा बोलते ना, वो पंच चेहरा। और सिंगों की बनावट वही मोटे मजबूत सिंग और पीछे की तरफ, है ना। और देखो दो उंगल से भी ज्यादा गैप है ना सिंगों के बीच में, यानी कि हेड फेस की क्वालिटी टॉप है। गर्दन की लंबाई देख सकते हो, गर्दन की लंबाई उसकी ज्यादा है इससे भी, है ना। और इसकी अगर ये झालर की बात करें तो भी इसमें बहुत बेहतरीन है, झालर उसमें बहुत बेहतरीन है। और हरीश भाई अगर इसकी हम बात करें, ये जो हुप की, ये भी इसके मजबूत है पैर, ये थोड़े से अग्रेसिव है जो, है ना। और ये देखो इसकी लेग लेंथ कितनी अच्छी है। टेस्टिकल की इसकी बात करें तो सुपर है, पीछे के जो है पैर वो भी अच्छे हैं, और ये बैंड जो है ये भी 45 का है, ये भी ज़बरदस्त है। पूंछ की बात करें वही पीछे का पैटर्न, वाइट पूंछ पे बाल आपको मिलेंगे अक्सर। और अगर इसकी हाइट की बात करें तो दोनों की सेम ही हाइट है। बॉडी वेट इसका भी तकरीबन सवा क्विंटल के आसपास है, क्विंटल से प्लस ही प्लस होगा क्योंकि। और हरीश भाई ये ब्रीडर, वो ब्रीडर मेरा लेने का एक ही तात्पर्य था, लगातार मैंने एक साल से सर्वे किया, वो ब्रीडर मैंने मॉल खरीदा है, ये भी मेरा मॉल खरीदा है। मैं अक्सर हरीश भाई जब भी कोई ब्रीडर खरीदता हूँ ना, पहले एक साल उसके ऊपर पूर्ण उसका जो है उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ, उसकी पूरी लाइफस्टाइल देखता हूँ, उस किस तो मदर का बच्चा है वो, उसका फादर है वो कैसा है, उसके फादर की मदर कितने दूध की है, कितनी हाइट पे थी, है ना, इसकी खुद की मदर कैसी है, कितनी हाइट पे है, और इसकी जो जनरेशन जो पहले आई है, जो पहले मेरे से पहले भी ये ब्रीडिंग के ऊपर था, तो इसकी जनरेशन भी मैंने चेक किया ना, कैसी उसकी अर्डर क्वालिटी आती है फीमेल की, जो जिन्होंने बच्चा दिया कितना दूध आता है, टिट्स की क्वालिटी कैसी रहती है। तो ब्रीडर में भाई 1000 चीज़ देखने को होती हैं हरीश भाई, ये नहीं कि भाई ब्रीडर में हम दो चार चीज़ें देख लेंगे हरीश भाई, ब्रीडर में तो हजारों चीज़ देखने की होती हैं, है ना। बहुत अच्छा, हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी जोड़ी से अच्छी जोड़ी तो पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है भाई, नहीं है ना। आप दूसरे अदर ब्रीड के भी अगर ब्रीडर्स देखेंगे ना, नहीं कोई भी ब्रीड का जो ब्रीडर हो, देखो मैंने जितना भी देखा अपना भाई सिरोही का है, गुजरी का है, वो तो बहुत छोटे रहते हैं इन ब्रीडरों से, है ना, हाइट में भी छोटे रहते हैं और वेट के अनुसार भी मेरे बहुत हैवी है। हरीश भाई संभाल भी बहुत अच्छी करता हूँ मैं, बिल्कुल, हाँ, न्यूट्रिशन पे पूरा इनका 101% मेरा का ध्यान रहता है ना, बिल्कुल। अभी 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 ब्रीडर को क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, अभी ब्रीडिंग पे चलेंगे, बहुत से लोग क्या गलती करते हैं ना हरीश भाई, अभी ये ब्रीडरों की बात हो रही है तो छोटी सी क्लिप मैं आपको ऐड कर देता हूँ, है ना। जब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है ना, अक्सर लोगों की बकरियां रिपीट करने लग जाती हैं, बिल्कुल। तो भाई एक चीज का आप विशेष ध्यान रखें, जब ब्रीडर आपका ब्रीडिंग के ऊपर है तो उसे कम से कम 6 महीने, 3 महीने, 3 महीने से ऊपर ऊपर 5 या 6 महीने पहले आप उसका ऑयल बंद कर दें। अगर आप उसको तेल घी कुछ भी दे रहे हैं, चिकनाई दे रहे हैं ना, चिकनाई बंद कर दें भाई, सप्रम क्वालिटी आपको डाउन मिलेगी, तो बकरियां उस कंसीव नहीं कर पाती हैं, ये चीज का विशेष ध्यान रखें। और हरीश भाई मैं इनको कोई भी तेल घी वगैरह कुछ नहीं देता हूँ, हाँ, मैं इस ऐसे नहीं बोलूंगा भाई मेरे ऐसे भूस भूस में है, हाँ, ग्रेन पूरा खिलाता हूँ, फीड मैनेजमेंट बहुत अच्छा है मेरा, वो मैं बहुत ज्यादा दबा के खिलाता हूँ। वही मेरा एक सवाल है, जैसा अभी अपन ने एक छोटा बच्चा भी देखा आपका, हाँ जी हाँ जी, अब उस एज के बकरे को हमें तैयार करना हो, कुछ हीरा मोती जैसे अगर हमें बनाना हो, जी जी, तो हमें क्या चीजें उन्हें खाने में देनी चाहिए और कब हमें उनसे सर्विस लेनी चाहिए, ये भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हरीश भाई एक बकरा जो है ये 1 साल के ऊपर तकरीबन आराम से सर्विस दे देता है, अगर आप बच्चे से लेना चाहोगे तो 6 महीने का बच्चा बकरी क्रॉस कर देता है, क्योंकि हार्मोन डेवलप हो जाते हैं भाई बहुत जल्दी, बकरी के अंदर बहुत जल्दी हार्मोन डेवलप होते हैं, क्योंकि फीमेल जो होती है ना हरीश भाई, फीमेल जो होती है, फीमेल 6 महीने में गर्भवती हो जाती है, जो बकरी होती है 6 महीने की वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इसी अनुसार बकरा भी तो 6 महीने का वो भी अपने पूरे हार्मोन डेवलप कर लेता है, तो वो क्रॉस कर सकता है ना हरीश भाई। अगर आप देखेंगे तो वैसे अगर बकरे को आप एक साल तक अगर क्रॉस नहीं करवाओगे ना, तो आपका हाइट लेंथ अच्छा बनेगा। और आप उसकी अगर बॉडी की बात करते हैं भाई, वो हाइट किस लिए दे, एक तो उसके माँ बाप का चयन अच्छा होना चाहिए, हाइटेड मदर हो, हाइटेड फादर हो, फिर आप उसका प्रोटीन लेवल का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपको हाइट लेनी है उसका
अगर आपको कद ऊंचा करना है तो आपको एनर्जी की इतनी जरूरत नहीं होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोटीन की जरूरत होती है, प्रोटीन ही बढ़ा सकती है, बिल्कुल, है ना। एनर्जी तो उसमें ताकत पैदा करेगी। आप जो है ना ऐसे अनाज मत डालिए, जो ऐसे ग्रेन मत दीजिए जिनसे एनर्जी उसको मिलती हो, है ना हरीश भाई। बहुत शानदार जी हरीश भाई। तो हाइट बढ़ाने के लिए हमें उसे जी जी प्रोटीन की मदद, आप उसको दूध पिला सकते हो, है ना, दूध पिला सकते, दूध आप मदर का अगर अच्छा दूध है 4-5 लीटर तो भाई आप उसको आधा दूध जरूर पिलाइए बच्चे को, है ना। और जो एक देसी तरीका अपनाते हैं ना लोग, देसी अंडे और दूध देने का, नहीं वो अंडे में प्रोटीन होता ना इसीलिए अंडा देते हैं हरीश भाई। अगर आपके पास दूध वाली बकरी है, वो अंडे वंडे वो देते हैं लोग जिनके पास अदर ब्रीड है, जो जिन बकरियों के दूध 100-100 ग्राम है उन लोगों को अंडों की जरूरत होती है। जखराना बकरी का अगर आपने बच्चा पालना है तो भाई अंडे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही 5-6 लीटर दूध देती है, उनको अंडों की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूध की प्रचुर मात्रा मिलती है, है ना, प्रचुर मात्रा में दूध मिलता है बकरे को, वो हाइट बनाएगा आपके पास। मैंने हरीश भाई हर साल एक दो बच्चे तैयार करके बेचता हूँ, और मैं अक्सर अभी मैंने एक बच्चा तैयार कर रखा है, और कोई अच्छा किसान आएगा तो उसको दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे को तो काम का नहीं रहता भाई, मेरे फार्म पे रखूंगा तो इनब्रीडिंग करेगा, लेकिन मेरा अक्सर वो कहते ना वो मन मेरा रुकता नहीं है, दिल रुकता नहीं है इस बात से, क्योंकि मेरे को जब बढ़िया बकरी होती है और बकरे ब्रीडर मेरे पास अच्छे हैं तो मैं अक्सर बच्चा पाल ही लेता हूँ। अब की साल भी मैंने 2 पाले थे, एक है अपने यहीं का नज़दीक का लड़का लेके गया, अभी एक और बच्चा है, छोटे छोटे ब्रीडर जो 2-2 महीने के, तो मैं ब्रीडर बनाने के लिए लोगों को महीने में अक्सर हर महीने 2-4 देता रहता हूँ। दो चार तो आते ही रहते हैं। हाँ, 2-4 हमेशा वो कस्टमर ऐसे आते रहते हैं, भाई हमको ब्रीडर बनाना है 2 महीने का बच्चा दे दो। जी जी। तो हरीश भाई मैं 60 दिन का बच्चा कटिंग का ही रेट लेता हूँ। हाँ, आज भी बोलता हूँ, मैंने पहले ही बोला मैं किसान को मारना नहीं चाहता, मेरा एक ये भाई आपको ऐसा ब्रीडर तैयार करना है, आप 2 महीने का बच्चा ले, 60 दिन का बच्चा मैं 5,000 रुपये कॉस्ट लेता हूँ, पहले बता दिया आपको, नहीं 5100 लूंगा, नहीं 4900, आपको पूरे 5,000 रुपये लूंगा, 60 दिन का बच्चा दे दूंगा, इन्हीं ब्रीडरों के मिलेंगे अपने पास दोनों के। बिल्कुल। हाँ, जो उस ब्रीडर की बच्ची है वो इससे क्रॉस होती हैं, और जो मेरी पहले की जो मदर गोट है वो उसी से अभी भी क्रॉस करवा रहा हूं। भाई तो जो ये आपने अभी हीरा लाया है, जी जी, इसके मदर और फादर के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, कि क्योंकि हमारे दर्शक अक्सर जो देखते हैं ब्रीडर का चयन करने जाते हैं या करने जाएं, तो हमें जैसे आपने देखा जी, तो वो भी इस बात का ख्याल रखें, इस बकरे की माँ के नीचे कितना दूध था। हरीश भाई देखो, इस बच्चे देने की क्षमता क्या थी? बच्चे देने की क्षमता तो वो जखरान में सभी में सेम ही होती है हरीश भाई। अगर बकरी कहीं क्रॉस ब्रीड नहीं है, दूसरी ब्रीड मिली हुई नहीं है ना, तो आपको 100% वो 3-4 बच्चे नॉर्मली दे देती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 भी दे देगी, 4 भी दे देगी हरीश भाई, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। अगर आप बात करो इसकी मदर की, तो इसकी मदर देखो ऐसा है, मैंने बहुत इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1 साल से ऊपर सर्वे किया, इसका फादर भी मैंने ढूंढा और इसकी मदर भी मैंने ढूंढी, है ना, तो मेरे 1 साल से इसके ऊपर सर्वे चल रहा था, इसकी मदर भी जो है मेरे को ऐसा पता चला है कि मैंने देखो उसका दूध देखा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी जी। क्योंकि जिस मालिक के पास थी मैं, ये जिस मालिक के पास था, इसकी मदर उस मालिक के पास नहीं थी, वो किसी और के पास थी, तो वहां पहुंचा उसकी मदर को देखने के लिए, है ना हरीश भाई, तो मैंने उसकी मदर देखी तो 6 किलो के आसपास इसका दूध बताता, वो तो बताता 6+ क्योंकि वो लोग जो है ना वो अक्सर ऐसे बकरियों को घुमाते हैं फील्ड में, ओपन ग्रेजिंग पे रखते हैं, ओपन ग्रेजिंग पे 6 किलो दूध दे रही है तो बहुत अच्छी है। हाइट के मामले में इसकी मदर जो है 40 इंच की है, 40 इंच। हाँ, और इसका फादर तो है ना वो तो 45-46 के आसपास था, उसकी डेथ होली। हाँ, वो किसी के पास था बूढ़ा बकरा, वो मैंने देखा है अभी 2-3 महीने पहले उसकी डेथ होगी, वापस जिस दिन चढ़े थे ना उसी एरिया में था, जिस दिन हम पहाड़ी के अंदर वीडियो बना के आए थे ना, जी जी, उसी एरिया का ब्रीडर था वो, बहुत अच्छा। और हरीश भाई ये अपने जीवन का जो अभी तक ये जो है, ये अपने जीवन का पूरे ऑल इंडिया का 3 बार चैंपियन बन चुका है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, चल बेटा, है ना, तीन बार ये चैंपियन बन चुका है, ऑल इंडिया का चैंपियन 3 बार का। पिछली बार ये बना था कायसा के अंदर, एक चैंपियनशिप लगती है जखराना ब्रीड की, उसके अंदर ये फर्स्ट स्थान था, इसका पहला स्थान। और हरीश भाई अब की बार पूरे एशिया का सबसे बड़ा एक एग्जीबिशन लगता है, जो हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में लगा था, हरियाणा उसको जो है लगाता है, हरियाणा प्रदेश उसको लगाता है, पिछली बार भिवानी था तब भी मैं बकरी लेके गया था, अपनी चैंपियन बनी थी। अब की बार जो महेंद्रगढ़ था, तो ये मैंने खरीदा उसके बाद ही, ये महेंद्रगढ़ का चैंपियन बकरा था, और उसके बाद फिर ये जो कायसा वाला जो एग्जीबिशन लगा, जो चैंपियनशिप लगी थी, उसके अंदर भी इसका पहला स्थान था, और वहाँ पर तकरीबन 100 ब्रीडर आए हुए थे। वाह। हाँ, 3 बार का लगातार 3 साल का चैंपियन है जी जी जी, 3 बार का ये खिताब जो इसने प्राप्त किया है, और इसीलिए अपने को चयन किया। हरीश भाई आप छोड़ते नहीं, अपने को जो चीज़ पसंद आ गई ना,
अगर इसके अंदर खूबी नहीं होती चैंपियन बनता नहीं 3 साल का। बिल्कुल। तो ये तो है कि जखराना बेल्ट के ब्रीडर तो इससे नीचे है ही है 100%, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई होगा नहीं जब ये चैंपियन बना था। तो फिर अपने को टारगेट इसी का था, अपने को तो वही अर्जुन वाली वो तीर वाला आंख वाली वो मछली की आंख वाला निशाना था भाई। ब्रीडर लेना चाहिए किसी भी कंडीशन पे लेना। जी जी। हरीश भाई बहुत लोग इसके पीछे घूम रहे थे हमारे क्षेत्र के, लेकिन किसी का सौदा नहीं बना। लेकिन मैं गया तो फिर मैं वापिस आया नहीं। मैंने कह दिया या तो मैं यहीं रहूंगा या ब्रीडर मेरे घर पे जाएगा। तो आपने 25 साल इस फील्ड में गुजारा है ना, तो वो नहीं, वो देखो जिस मालिक का भी मैं धन्यवाद करता हूँ उसको जाते ही है ना, मेरे को एक ही जुबान में उसने ब्रीडर बोल दिया था ले जाओ भाई आप, क्योंकि उसको भी पता हो मेरे को पहले से जानता था, उसको पता था कालू भाई जितनी सेवा करेगा ना, वहां से आने के बाद अभी है ना कम से कम 10 से 15 किलो वेट बढ़ा है इसमें। हाँ, 1.25 क्विंटल से पार हरीश भाई, इतनी साइनिंग नहीं थी उस समय। और मैंने तो इतने पैसे डिस्क्लोज तो नहीं करेंगे, इतने पैसे दिए हैं ना, इतने पैसे में तो लोग एक रेवड़ ले लेते हैं, पूरा झुंड खरीद लेते हैं भाई। अच्छा। हाँ, मैंने तो इतने पैसे दे रखे हैं ब्रीडर के। हाँ, मेरे एरिया में पता है लोगों को, बहुत बढ़िया, पूरा झुंड आ जाता है हरीश भाई, बहुत बढ़िया, है ना। पापा ये तो पॉपुलरिटी बनाएंगे नहीं भाई, अपने को 10 लाख में खरीद लिया, 5 लाख में खरीद लिया, 50 लाख में खरीद लिया, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि एक गरीब किसान पूरा रेवड़ खरीद सकता है इतने पैसे में। मैंने इतने पैसे इसको इन्वेस्ट अभी किए और सिर्फ ब्रीडिंग के लिए किए हैं हरीश भाई। नहीं तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा ना भाई। हरीश भाई अभी इसकी आने वाले समय में जो है ना बच्ची, मैं इसकी बच्ची इसके मालिक के पास देख के आया हूँ भाई साहब, उसका जो है ना आप अडर अगर आप देखो ना, उसका जो शतन है ना, जो आप उसको अडर बोले या लेवटी बोले, हरीश भाई बिल्कुल गोल है। आप उसको क्या बोले कि बिल्कुल तरबूज की तरह है और उनपे टीट्स है ना बस इतने इतने लगे हैं, थन की जो क्वालिटी है ना बिल्कुल जमा है उनके ऊपर, आप 2 इंच का मान सकते हैं, 2 से 2.5 इंच का, 3 इंच का जो टीट्स है, इतनी सुंदर दिखती ना, और बैक बोन्स उनकी इतनी अच्छी है, पीठ की क्वालिटी उनकी अच्छी है, आगे से बहुत ज़्यादा जो है ना वो पतली है और पीछे से बहुत ज़्यादा चौड़ी है। तो ब्रीडर जो है ना इसका मतलब ये जीन डोनेट कर रहा है, है ना। ये देखो डोनर बकरा है, मैंने खरीदा इसीलिए। ये ऐसे बकरे जो है ना वो आपको लेने कैसे चाहिए, बकरा आप खरीदते समय हरीश भाई एक ही बात का ध्यान रखें, आप जीन डोनेटर बकरा होना चाहिए भाई। वो जीन बच्चे में कैसे डाल रहा है, मदर के कितने निकाल के डाल रहा है, खुद के कितने निकाल रहा है, और खुद के भी डाल रहा है तो कितनी पीढ़ी के बैक तक डाल रहा है ना। आप ये चीज तो देखो ना, पीछे इसकी मदर की मदर पता नहीं कैसा रहा होगा, इसके फादर का फादर पता नहीं कैसा रहा होगा, है ना, सात सात पीढ़ी के पीछे बैक तक आ रहा है ना। तो इसकी बच्चियां जो है ना बहुत बेहतरीन आई हुई, और बैंड बैंड के हिसाब से तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और हरीश भाई जो आप एक देखो, मेरी अभी 100 बकरियों को इसने प्रेग्नेंट किया है। हाँ। मैं आपको बता दूं, 100 बकरी को बकरा जब प्रेग्नेंट करता है तो बकरे का माइंड खराब हो जाता है भाई, पूरा पूरा उसका माइंड का तहलका मच जाता है उसके दिमाग में। जी जी। और जिस दिन से मेरे पास आया है उसी दिन से वो कहते हैं ना देसी भाषा में, हमारे इधर में एक भाषा बोलते हैं लोग, बकरा बोल रहा है। बोलने का मतलब बकरियां हिट पे हैं और बकरा पूरा मस्ती में है और खाता नहीं है हरीश भाई। अगर ये फुल डाइट लेने लग जाता ना तो अभी इसको मैं तकरीबन 170 किलो के आसपास पहुंचा देता। पर भाई वो ब्रीडिंग में इतना काम करेगा, 170 करेगा करेगा हरीश भाई, अपने पास बकरियां है ना, इसके मतलब कि अपने पास बकरियां हैं। अच्छा। जिन लोगों के पास बकरियां 30 किलो की 40 किलो की 50 किलो की बकरियां हैं भाई, वो ऐसा ब्रीडर रख के कामयाब नहीं है, वो मेरे से सीमन ले जा सकता है। इस बकरे का भी सीमन मिल जाएगा आपको। ये बात आप जरूर करिएगा कि ऐसे ब्रीडर्स का सीमन आप, क्योंकि हरीश भाई जिस भी किसान को, जिस भी किसान को अगर सीमन की जरूरत हो, मेरे से हीरा और मोती के दोनों के सीमन मेरे पास अवेलेबल हैं और मैं दे दूंगा आपको। बिल्कुल। हाँ, मैं उससे कोई ज्यादा कॉस्ट लूंगा आपको, जो मेरा खर्चा लगता है स्ट्रा बनवाने का मैं वही खर्चा लूंगा, क्योंकि मेरे को किसानों, मेरे को खुशी होती है जब किसानों के पास अच्छी अच्छी बकरियां पैदा हो, किसान ऊपर उठे। बिल्कुल, है ना। अपने को कोई लुटाई से मतलब नहीं है हरीश भाई। नहीं नहीं, सही है भाई। हाँ, और हरीश भाई ये जो है ना, ये बकरा और वो बकरा, मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ, अभी दोबारा तो रिपीट नहीं करना चाहिए, लोग बागे सोचेंगे कि पता नहीं ये ज्यादा अपनी हवाबाजी कर रहा है ना। लेकिन आपने भी देखा ना 15 दिन फील्ड में। बिल्कुल भाई। बिल्कुल। किसी भी ब्रीड का बकरा हो, किसी भी ब्रीड का ब्रीडर हो, इनसे तगड़े नहीं है। जी बिल्कुल। जखराना की तो बात छोड़ो आप। बिल्कुल। जखराना में तो लोगों के पास अभी 40 इंच के बकरे रह गए ना, 39 इंच के, 40 इंच के, ज्यादा से ज्यादा 41 मिलेंगे, है ना। बस लोगों ने उससे ऊपर तो ले जाते ही नहीं है, क्योंकि भाई सारा इनब्रीडिंग ने खराब कर दिया उनका मामला। इनब्रीडिंग ने पूरी ब्लड लाइन ही खत्म कर दी है। हरीश भाई हर 1.5 साल में ब्रीडर चेंज करता हूँ। जी जी। 18 महीने से ऊपर मैं ब्रीडर लगाता नहीं हूँ, क्योंकि वो 18 महीने में उसकी बच्चियां मेरी तैयार हो जाती है, फिर मेरे को नया लाना पड़ेगा। हरीश भाई नेक्स्ट विजिट आएगा तो उसमें तो ऐसे बोलूंगा तो नहीं, लेकिन शायद आपको एक ब्रीडर और मिले। अभी मेरी सर्वे है पूरा। हाँ, पूरा मेरे को ध्यान है। और हरीश भाई इसकी मैं एक क्लिप आपको और भी दे दूंगा, 10 फीट के पेड़ को भी खा लेता है। जी 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 बिल्कुल भाई।
तो सारी खूबियां जो है वो कालू भाई ने बताई हैं। ब्रीडर चयन करते समय आप भी इन बातों का जरूर ख्याल रखें। हरीश भाई, इतने चौड़े सीने का ब्रीडर आपको नहीं मिलेगा, फिर दोबारा बोल रहा हूँ। आप सीना एक बार दिखा दीजिए ना, इतने चौड़े सीने का ब्रीडर आपको नहीं मिलेगा। मैं 100% 1,00,000 गारंटी लेता हूँ इस बात की, आपको ब्रीडर नहीं मिलेगा हरीश भाई। और दूसरी बात हरीश भाई, जो ब्रीडर आगे से चौड़ा और पीछे से भीड़ा, और जो फीमेल आगे से भीड़ी और पीछे से चौड़ी, बस उन्हीं का चयन करो आप। ये समझो कि वो दूध लाइन का 101% है। उसमें अगर ब्रीडर आगे से चौड़ा है और पीछे से पतला है, तो वो ब्रीडर के सारे जो भी है ना मापदंड पूरे कर रहा है। अगर फीमेल आपको खरीदनी है, पीछे से चौड़ी हो आगे से पतली हो, तो इसका मतलब वो भी वो पूरे उसके जो मापदंड है वो पूरे कर रही है, वो दूध देगा 101%। जी, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए और हीरा और मोती की जो जोड़ी दिखाने के लिए आपका तहे दिल से